दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को बेहतरीन बल्लेबाज और कप्तान मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, कोलकाता की हार के बाद मालकिन जूही चावला ने दिया होश उड़ा देने वाला बयान। जी हां दोस्तों, चेन्नई के खिलाफ 49 रनों से हार का सामना करने के बाद कोलकाता की मालकिन जूही चावला काफी ज्यादा निराश हो गई और उन्होंने भड़कते हुए कोलकाता के खिलाड़ियों को खरी खोटी सुनाई और जमकर फटकार लगाते हुए एक ऐसा आपत्तिजनक बयान दिया जिसको सुनकर आपको भी अपने कानों पर यकीन कर पाना मुश्किल होगा। तो आखिरकार जूही चावला ने कोलकाता की हार के बाद क्या बयान दिया, ये तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कोलकाता की टीम इस मुकाबले को किन गलतियों के कारण हारी है, हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, चेन्नई और कोलकाता के बीच खेले गए रोमांचक मुकाबले में चेन्नई ने कोलकाता को 49 रनों से हरा दिया। इस मुकाबले में टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई की टीम ने 235 रन 4 विकेट के नुकसान पर बनाए थे, जहां पर कॉनवे 56, शिवम दुबे 50 और अजिंक्य रहाणे नाबाद 71 रनों की पारी खेल पाए। तो वहीं विरोधी टीम की तरफ से कुलवंत को 2 विकेट मिले, इसके अलावा सुयश शर्मा और वरुण चक्रवर्ती को 1-1 विकेट मिला। तो वहीं 236 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता की टीम इस मुकाबले में बड़ी आसानी से हार का सामना कर गई और निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 186 रन ही बना पाई। जहां जेसन रॉय ने 61 और रिंकू सिंह ने नाबाद 53 रनों की पारी खेली थी, तो दूसरी तरफ से चेन्नई के लिए महेश और तुषार देशपांडे को 2-2 विकेट मिले। साथ में आकाश मथिशा पथिराना, मोइन अली और रविंद्र जडेजा को 1-1 विकेट मिला और ऐसे में कोलकाता की टीम 49 रनों से हार के बाद मालकिन जूही चावला का गुस्सा सातवें आसमान पर है और उन्होंने कोलकाता की टीम को फटकार लगाते हुए सनसनीखेज बयान दिया, जिसमें मालकिन जूही चावला ने बयान देते हुए कहा कि इस मुकाबले में मैं कोलकाता की खराब बल्लेबाजी और गेंदबाजी से काफी ज्यादा निराश हूं। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि कोलकाता की टीम इतना ज्यादा खराब प्रदर्शन करेगी। हालांकि सामने मजबूत टीम मौजूद थी, लेकिन कोलकाता की टीम के पास ऐसे बल्लेबाज और गेंदबाज मौजूद थे जिनके दम पर कोलकाता की टीम आराम से जीत दर्ज कर सकती थी, लेकिन कोलकाता की टीम ने अपनी गलतियों को काफी ज्यादा प्रोत्साहन दिया, जिसके चलते बार बार गलती करने के कारण कोलकाता की टीम को हार का सामना करना पड़ा है। और कोलकाता की टीम की तरफ से कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने हर बार की तरह इस बार भी हमें निराश किया है और ऐसे में अब हमें कुछ बड़े बदलाव करने की आवश्यकता है, जिसके चलते हमारी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम भी और मजबूत टीमों की तरह जीत की पटरी पर लौट सकती है और प्लेऑफ में पहुंचकर आईपीएल को जीतने का काम कर सकती है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि कोलकाता की टीम की तरफ से गेंदबाजों का तो काफी ज्यादा खराब प्रदर्शन देखने को मिला, हमारे मुख्य गेंदबाज से लेकर युवा गेंदबाज सभी में ऐसी पिटाई चेन्नई के बल्लेबाजों ने लगाई है जिसके सामने हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे हैं। हमने शुरुआत में 2 हैरतअंगेज जीत दर्ज करते हुए सभी प्रशंसकों को अपनी तरफ आकर्षित किया था, लेकिन अब काफी ज्यादा खराब प्रदर्शन करते हुए लगातार 4थी हार का सामना किया है, जिससे हमारा मनोबल तो टूटा है, साथ में हमारे प्रशंसकों की भी काफी ज्यादा बुरा लगा है। कोलकाता की टीम की तरफ से सिर्फ 1 या 2 खिलाड़ियों पर निर्भरता होने के कारण कोलकाता की टीम लगातार खराब प्रदर्शन कर रही है। मेरे अनुसार कोलकाता की टीम को अब अपनी रणनीति में बदलाव करना चाहिए और कुछ खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाकर उनकी जगह पर नए खिलाड़ियों की वापसी करा देनी चाहिए। दोस्तों, चेन्नई के बल्लेबाजों की आग उगलती हुई बल्लेबाजी के बाद आया गेंदबाजों का कहर। जी हां दोस्तों, चेन्नई की तरफ से अजिंक्य रहाणे, शिवम दुबे और कॉनवे की तूफानी बल्लेबाजी के बाद गेंदबाजों ने इस कदर कोहराम मचाया जिसके सामने कोलकाता का गेंदबाजी विभाग और बल्लेबाजी क्रम सूखे पत्तों की तरह उड़ गया। तो आखिरकार चेन्नई कैसे अपने बल्ले के साथ गेंद से जौहर दिखाते हुए कोलकाता को नेस्तानाबूद की, ये तो हम आपको बताएंगे ही, साथ ही साथ इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट का वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, महेंद्र सिंह धोनी, अजिंक्य रहाणे और रिंकू सिंह में कौन खतरनाक बल्लेबाज है, अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, आईपीएल 2023 का 33वां मुकाबला आईपीएल की दो मजबूत टीम कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच कोलकाता की घरेलू मैदान ईडन गार्डन स्टेडियम पर खेला गया, जहां पर इस मुकाबले में घरेलू कप्तान नितेश राणा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और बल्लेबाजी के लिए MS धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को आमंत्रित किया। इस दौरान चेन्नई की टीम बिना बदलाव के मैदान पर आई थी, तो दूसरी तरफ कोलकाता की टीम 2 बदलावों के साथ मैदान पर उतरी और इस दौरान चेन्नई की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत ऋतुराज गायकवाड़ और डिवोन कॉनवे ने की। दूसरी तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत उमेश यादव ने की, जहां पर पहली ही गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने चौका लगाकर शानदार शुरुआत की, लेकिन ओवर में मात्र 5 रन देते हुए उमेश यादव ने अपनी टीम को मजबूती प्रदान की। तो वहीं कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़ दोनों ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए पावर प्ले में 59 रन बिना विकेट खोकर बना दिए थे, लेकिन इसके बाद दोनों बल्लेबाजों की बेहतरीन साझेदारी को 8वें ओवर में 73 रन के स्कोर पर सुयश शर्मा ने तोड़ दिया। जी हां दोस्तों, बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे ऋतुराज गायकवाड़ 20 गेंदों पर 2 चौके और 3 छक्के की मदद से
37 रनों की पारी खेलने के बाद जयाबाज शर्मा की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए अनुभवी बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे आते हैं, जिन्होंने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए कॉनवे के साथ साझेदारी की और 36 रनों की साझेदारी की। इस दौरान कॉनवे 10 ओवर में 34 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किए, लेकिन इसी बीच फिरकी गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती ने बल्लेबाज कॉनवे को 13वें ओवर में डेविड वेजा के हाथों कैच आउट करा दिया और इस दौरान बल्लेबाज कॉनवे 40 गेंदों पर 3 चौके और 4 छक्के की मदद से 56 रन बनाकर नाबाद रहे। जिसके बाद बल्लेबाजी के लिए शिवम दुबे मैदान पर आते हैं और इस दौरान शिवम दुबे और अजिंक्य रहाणे ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई के लिए सबसे तेज अर्धशतकीय साझेदारी 17 गेंदों पर कर डाली थी और 17वें ओवर में अजिंक्य रहाणे ने 24 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। तो दूसरी तरफ से शिवम दुबे ने 18वें ओवर में छक्के के साथ 20 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया और इसी बीच अगली ही गेंद पर शिवम दुबे कुलवंत खजरोलिया की गेंद पर जेसन रॉय के हाथों कैच आउट हो गए और 85 रनों की साझेदारी यहां पर टूट गई थी। जिसके बाद बल्लेबाजी के लिए रविंद्र जडेजा मैदान पर आते हैं, जिन्होंने अजिंक्य रहाणे के साथ मिलकर विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 38 रनों की साझेदारी की और इस बीच अंतिम ओवर की चौथी गेंद पर कुलवंत की गेंद पर रविंद्र जडेजा रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट हो गए थे। जिसके बाद बल्लेबाजी के लिए महेंद्र सिंह धोनी आते हैं और उन्होंने 2 गेंदों पर 2 रनों की नाबाद पारी खेली। तो दूसरी तरफ से अजिंक्य रहाणे ने 29 गेंदों पर 6 चौके और 5 छक्के की मदद से 71 रनों की नाबाद पारी खेली और निर्धारित 20 ओवर में चेन्नई की टीम ने 235 रन 4 विकेट के नुकसान पर बनाए थे, जहां पर कोलकाता की टीम की तरफ से कुलवंत खजरोलिया ने सर्वाधिक 2 विकेट हासिल किए तो वहीं वरुण चक्रवर्ती और सूर्य शर्मा को 1-1 विकेट मिला। इसी बीच 236 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए कोलकाता की टीम मैदान पर आती है और कोलकाता की तरफ से पारी की शुरुआत सुनील नारायण और नारायण जगदीशन की सलामी जोड़ी ने की। दूसरी तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत इंपैक्ट प्लेयर के रूप में अंबाती रायडू की जगह पर शामिल आकाश सिंह ने की, जहां पर नारायण जगदीशन ने पहली गेंद पर 1 रन के साथ अपना खाता खोला था। इसी बीच गेंदबाज आकाश ने 1 रन के स्कोर पर कोलकाता को पहला झटका दिया, जहां पर उन्होंने बल्लेबाज सुनील नारायण को 3 गेंदों पर बिना खाता खोले क्लीन बोल्ड किया। इसके बाद बल्लेबाजी करने इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर वेंकटेश अय्यर की एंट्री सुयश शर्मा की जगह पर होती है, हालांकि ओवर में मात्र 1 रन आए थे। जिसके बाद अगले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए तुषार देशपांडे कोलकाता को 1 रन के स्कोर पर दूसरा झटका भी दे देते हैं। उन्होंने अपनी दूसरी ही गेंद पर नारायण जगदीशन को 3 गेंदों पर मात्र 1 रन बनाने के बाद रविंद्र जडेजा के हाथों कैच आउट करा दिया। जिसके बाद बल्लेबाजी के लिए कोलकाता की टीम को संभालने कप्तान नितेश राणा मैदान पर आते हैं, जहां पर उन्होंने 1 रन के साथ अपना खाता खोला। दूसरी तरफ से वेंकटेश ने भी 1 रन के साथ खाता खोला और ओवर की समाप्ति नितेश राणा के छक्के के साथ की, जिसके बाद अगले ओवर में बल्लेबाजों ने एक्सेलरेटर पर पैर रख दिया था, जहां पर आकाश सिंह के सामने वेंकटेश ने 1 छक्के और 1 चौके के साथ 11 रन बटोरे। तो वहीं चौथे ओवर में तुषार देशपांडे ने बेहतरीन गेंदबाजी कर मात्र 4 रन देते हुए चेन्नई की टीम की गेंदबाजी में वापसी कराई। इसके अलावा 5वें ओवर में आकाश ने 2 चौके की मदद से 9 रन दे दिए थे, जिसके चलते कोलकाता की टीम एक बार फिर से मुकाबले में आ गई और विकेट निकालने के लिए एमएस धोनी ने पावर प्ले का अंतिम ओवर कराने के लिए फिरकी गेंदबाज महेश को बुलाया और ओवर में उन्होंने 5 रन दिए, जिसके चलते 38 रन पावर प्ले में 2 विकेट के नुकसान पर बन गए थे। और जिस अंदाज से बल्लेबाजी और गेंदबाजी चल रही थी, उसे देखकर लग रहा था कि मुकाबला चेन्नई की टीम आराम से जीत जाएगी। दोस्तों, कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़ की आंधी में उड़ा कोलकाता का खेमा। जी हां दोस्तों, कोलकाता और चेन्नई के बीच खेले गए रोमांचक मुकाबले में चेन्नई के बल्लेबाज कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़ ने अपनी खौफनाक बल्लेबाजी से इस कदर कोहराम मचाया, जिसके सामने कोलकाता के गेंदबाज खून के आंसू रोने के लिए मजबूर हो गए। तो आखिरकार कैसे चेन्नई के बल्लेबाजों ने तूफानी बल्लेबाजी कर कोलकाता के गेंदबाजों को रिमांड पर लिया, यह तो आपको बताएंगे ही, साथ ही साथ इस रोमांचक मुकाबले की रोंगटे खड़े कर देने वाले हाईलाइट का वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखेगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, ऋतुराज गायकवाड़, अजिंक्य रहाणे और महेंद्र सिंह धोनी में कौन है खतरनाक बल्लेबाज? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, आईपीएल 2023 का 33वां मुकाबला आईपीएल इतिहास की 2 चैंपियन टीम कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच कोलकाता के घरेलू मैदान ईडन गार्डन स्टेडियम पर खेला गया, जहां पर इस मुकाबले में कोलकाता के कप्तान नीतीश राणा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बल्लेबाजी करने के लिए चेन्नई की टीम को आमंत्रित किया। इस दौरान कोलकाता की टीम ने 2 बदलाव किए और चेन्नई की टीम बिना बदलाव के मैदान पर उतरी। इस दौरान चेन्नई की तरफ से पारी की शुरुआत ऋतुराज गायकवाड़ और कॉनवे की सलामी जोड़ी ने की, तो वहीं विरोधी टीम की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत उमेश यादव ने की। इस दौरान चेन्नई की तरफ से बल्लेबाजी ऋतुराज गायकवाड़ ने पहली गेंद पर अंदरूनी किनारे के चलते शाही अंदाज में अपना और अपनी टीम का खाता पीछे की तरफ 4 रन के साथ खोला और चेतावनी दे डाली
इसी अंदाज से खतरनाक बल्लेबाजी चेन्नई की टीम करती हुई दिखाई देने वाली है। लेकिन दूसरी तरफ से गेंदबाजी कर रहे उमेश यादव ने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए बेहतरीन गेंदबाजी कर वापसी के साथ ओवर में आगे एक रन दिया और पूरे ओवर में 5 रन दिए, जिसके बाद अगले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए डेविड आए, जो अपना आईपीएल का पहला मुकाबला खेल रहे थे। ऐसे में उन्होंने जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए पहली 4 गेंदों पर मात्र 4 रन दिए, लेकिन ओवर की 5वीं गेंद पर कॉनवे ने लंबा छक्का लगा दिया और आईपीएल में उनकी बेहतर शुरुआत की, जिसके चलते ओवर में 10 रन आ गए, जिसके बाद अगले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए उमेश यादव ने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाजों पर दबाव बनाया। इस बीच उमेश यादव ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए पहली 5 गेंदों पर मात्र 2 रन दिए, लेकिन ओवर के समाप्ति बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए ऋतुराज गायकवाड़ ने 1 लंबे छक्के के साथ की, जिसके चलते ओवर में 10 रन आ गए और मुकाबला एक बार फिर से कोलकाता के हाथों से चला गया।